कोरोना वायरस संकट के बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक जंग तेज होती दिख रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी, जिसमें अभी तक मंदिर और अन्य पूजा स्थल खोलने का मुद्दा उठाया है। अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री में इस मामले पर चिट्ठियों का आदान प्रदान जारी है। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को जवाबी चिट्ठी में लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खोलने की चर्चा के साथ कोरोना में बढ़ते मामलों का भी ध्यान रखना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे अपना हिंदुत्व साबित करने के लिए आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो लोग हमारे राज्य की तुलना पीओके से करते हैं, उनका स्वागत करने मेरे हिंदुत्व में फिट नहीं बैठता। सिर्फ मंदिर खोलने से क्या हिंदुत्व साबित होगा? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आपने 1 जून को मिशन बिगेन अगेन की शुरुआत की थी, लेकिन अब उसे 4 महीने हो गए और अभी तक धार्मिक स्थल नहीं खुले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी धार्मिक स्थल खुले हैं, जबकि वहां पर अब कोरोना के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि यह विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार और रेस्टोरेंट खोले हैं, लेकिन दूसरी तरफ देवी और देवताओं के स्थल को नहीं खोला। आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं। आपने भगवान राम के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी भक्ति व्यक्त की है। राज्यपाल ने लिखा कि पिछले कुछ वक्त में कई प्रतिनिधि मंडलों ने मुझे मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की है। NBC News के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।